हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को इस बात से थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली वो अपने चैनल पर एक रिएक्शन वीडियो अपलोड किए थे और इस वीडियो का टाइटल था सलमान खान रोस्टेड मनीषा रानी, और फुकरा इंसान उस क्लिप पर रिएक्ट भी करते हैं जहाँ पर सलमान खान मनीषा रानी को ट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कुछ मनीषा रानी फैंस इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं, आप देख भी सकते हो। फिर फुकरा इंसान इस बात को क्लियर करते हुए एक ट्वीट भी करते हैं, आई वॉन्ट से अ लॉट ऑफ पीपल एज माई लेटेस्ट वीडियो हैज ओवर 98% लाइक रेशो, बट अ फ्यू पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ रोस्ट वीडियो एंड रिएक्शन वीडियो। और अगर तुम अपने दोस्त से मजे नहीं कर सकते तो तुम दोस्त किस बात के, बाकी एक रोस्ट वीडियो बनाते हैं, टॉपिक बताओ। तो बात करते हैं इल्विश यादव के बारे में। तो इल्विश यादव अपने व्लॉग में बात किए खुद के बारे में और उनसे हो चुकी गलतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो क्या कहे आप देखिए। कई लोगों को हजम हो रहा, कई लोगों को हजम नहीं हो रहा, कई लोगों को क्या शैतानी कर साढ़े पहले जैसी शैतानी करने के टाइम पे शैतानी करेंगे यार। अब ना समझ आ गई, मतलब अब ऐसे होता है कि सपोज पहले किसी को भी कुछ भी कह दिया, अब सोचते हैं कि अपने आप को उसकी जगह रख के देखे तो कैसा लगेगा, ये चीज़ समझ रहे हो। तो वो एक थोड़ा सा आया है, अब इसको तुम कुछ भी कह लो, बुढ़ापा कह लो, बुढ़ापा एलिस भाई तुम तो बूढ़े हो गए, बट ऐसा नहीं है यार। ये कहनी थी मुझे वाली चीज़ ना, गलती एक्सेप्ट करना, पास्ट में कोई हुई हो मान लो, किसी को बुरा वाला बोला हो, एक्सेप्ट करना इज अ गुड थिंग। जो मुझे तो दोस्तों बात करते हैं धीरू मौंचिक के बारे में। तो जैसा कि कल मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था कि धीरू मौंचिक ने अपनी वीडियो में मृदुल माधव को एक्सपोज कर दिया था, इसलिए क्योंकि मृदुल माधव सभी यूट्यूबर्स को फेक स्ट्राइक भेज रहे थे। लेकिन दोस्तों धीरू मौंचिक के इस एक्सपोज वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, धीरू मौंचिक क्या कहते हैं आप देखिए। अजीवा मृदुल भाई, तुम्हारी पीआर टीम, तुम्हारी मैनेजमेंट टीम क्या खतरनाक काम करती है यार। भाई मेरी वीडियो आया हुआ भी एक घंटा भी नहीं हुआ यार, इन लोगों ने रिपोर्ट्स लगवा के वो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एज रिस्ट्रिक्ट इसलिए, मतलब उससे क्या फायदा होगा एज रिस्ट्रिक्ट करवाने से, कि वो वीडियो सजेस्ट नहीं होगी लोगों को, मेरी ऑडियंस को भी नहीं देखेगी ज्यादा। मैं मेहनत से बनाई है, 3 दिन लगा के मैंने इस बेकार से इंसान के ऊपर, तो मेरी ऑडियंस तक तो उन्हें तो खुश होने देते देख के कम से कम। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर देना।